नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोविड सर्टिफिकेट आप फोटो वाला कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप के माध्यम से बड़े ही आसानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। हम आपको मोबाइल से बताएंगे कि कोविड सर्टिफिकेट को फ़ोटो वाला कैसे डाउनलोड करेंगे। ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, कहीं भी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप इसे दिखा सकते हैं और आप जो है कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत जगह जो है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे इस सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड करना है। इस प्रकार का कोविड पास डाउनलोड करने के लिए फोटो वाला तो आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में जो भी ब्राउजर होगा उसे ओपन करना होगा, गूगल में सर्च करना होगा, ऑनलाइन अपडेट stm.com लिखकर आपको सर्च करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। उसके बाद यहाँ से आकर डेस्कटॉप मोड आप कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फ़ोटो वाला कोरोना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये पोस्ट खुलेगा जिसमें आपको सारा डिटेल बताया गया है कि कोविड सर्टिफिकेट क्या है, डाउनलोड करने से क्या बेनिफिट मिलेंगे और कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और साथ ही डाउनलोड कैसे करना है उसके विषय में भी यहाँ पे बताई गई है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, कोविड सर्टिफिकेट डाउनलोड करें विथ फोटो लिंक उसका दिया गया। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डाउनलोड कोविशील्ड सर्टिफिकेट आपको करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल, जैसे अगर आपने कोविड का टीका लिया था तो जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया होगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। गेट OTP पे क्लिक करना है, उस नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP डालना होगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पर अगर आपने कोविड वैक्सीन का टीकाकरण करवाया होगा तो इस प्रकार आएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको शो सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करके आप चाहे तो अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उससे बेनिफिट आपको ये होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेफरेंस ID मिलता है, इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। सिंपली यही नंबर आपका मेन है फोटो वाला कोविड पास या कोविड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए, रेफरेंस आईडी आपको लिख कर रख लेना है। जो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे यहाँ पे भी वो रेफरेंस नंबर मेंशन आता है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। फिर वापस आपको इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे आपको मेंशन है ऑफिशियल ऐप, एक ऐप आपको डाउनलोड करना होगा मोबाइल में, जिसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर ओपन होगा। आपको ये ऐप यानी DigiLocker आपको डाउनलोड करना होगा, इस पर इंस्टॉल वाले पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये आपका जो ऐप है वो डाउनलोड होगा। देखिए इस प्रकार डाउनलोड होने देते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ओपन का, आप सिंपली ओपन वाले पे क्लिक करेंगे। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐप ओपन होगा। हम सारे डिटेल आपको बारीकी से समझाते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको सबसे पहले साइन इन करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट का, अकाउंट वाले पे आप क्लिक कर लेंगे और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे साइन इन या क्रिएट एन अकाउंट, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। नए अगर आपने इससे पहले कभी DigiLocker पे अकाउंट नहीं बनाया तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल जैसे आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ, ईयर और जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर और एक आपको पिन सेलेक्ट करना है, जो कि आप कुछ भी बना सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, आधार नंबर यहाँ देंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिलता है, साइन इन करने के लिए आप चाहे तो आधार नंबर या मोबाइल नंबर MPIN के माध्यम से आप जो है लॉग इन कर सकते हैं। MPIN भूल चुके हैं तो फॉरगेट MPIN का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे, MPIN भी आप जो है रिसेट कर सकते हैं। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे, आप MPIN डालते ही जो नंबर आपके आधार से लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा गया होगा, OTP डाल देंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको सबमिट का, आप सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम यूजर यानी न्यू यूजर का जो भी नाम आप देना चाहते हैं आप यूजर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार ओके का ऑप्शन आएगा, आप ओके वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे इस प्रकार सक्सेसफुली आपका जो है यूजर नेम बन चुका है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको ब्राउज का, आप ब्राउज वाले पे, उसके बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है ब्राउज का, आप इस पर क्लिक करेंगे या नहीं तो 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इशू डॉक्यूमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा, सर्च करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो लिखना होगा आपको, जैसे कोविड आपको सिर्फ लिखना है। जैसे ही कोविड लिखेंगे तो फर्स्ट में ही एक ऑप्शन आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, आप इस पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है कोविड
वैक्सीन सर्टिफिकेट आप इस पर क्लिक करेंगे। जो बेनिफिशरी आईडी हमने आपको रेफरेंस नंबर आपको कॉपी करने के लिए बोला था वही नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है गेट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है। जैसे गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार लोडिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद इस लिस्ट पर आप देखेंगे तो एक नया आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो गया होगा जो कि कोविड के नाम से होगा, इसमें आपको चेक करना है। वो आप जब नीचे आएंगे यहाँ पे देखेंगे एक सर्टिफिकेट आ गया कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार कोविड पास जो है आपका नाम, ईयर और सेकेंड डोज आपने कब लिया था और साथ ही आपका फोटो भी आएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा कि फुली वैक्सीन कोविशील्ड यानी आपने कोविशील्ड का वैक्सीन लिया था। इसको आप कहीं भी यूज भी कर सकते हैं और साथ ही इसका अगर आप चाहते हैं पीडीएफ में डाउनलोड करना तो इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, व्यू पीडीएफ का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ ही ये किसी को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार बड़े ही आसानी से जो है कोविड सर्टिफिकेट जो है फोटो वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि इस वीडियो में हमने आपको बताया। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।